वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। इस बार लोकसभा की सीट लखनऊ की कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है, राजनाथ सिंह के प्रचार के लिए मुस्लिम समुदाय बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जी मौजूद हैं, जो लगातार राजनाथ सिंह जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। आप लगातार राजनाथ सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ उनका कैसा काम देखा? उनका काम बहुत अच्छा है, उन्होंने जितनी भी योजनाएं दी हैं यहाँ पर बहुत अच्छी योजना दी है। 105 किलोमीटर का रिंग रोड बनाया है और भी रोडें जो बन रही हैं बहुत अच्छी रोड बनाई है और यहाँ पर पूरा 24 घंटे बिजली आने लगी है मुस्लिम मोहल्लों में। मुस्लिम मोहल्लों के आप नाली खड़ंजा कुछ भी देखिए, मस्जिद के सामने सब बना हुआ है, पहले नहीं बनता था ये, अब जो बहुत अच्छा बन रहा है। तो इसीलिए उनको हम चाहते हैं कि 5 लाख से ऊपर वोट जीतें, वो जीतेंगे ही। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो मुस्लिम वोट कहते हैं कि उनकी तरफ ज्यादा जाते हैं और रविदास मल्होत्रा खड़े हैं, उनको जमीनी नेता कहा जाता है, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजनाथ सिंह की बराबरी कभी नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए वो कभी बराबरी नहीं कर सकते। वो जमीनी नेता है, लेकिन अगर वो जमीनी नेता है तो बहुत पुराने नेता है और बहुत अच्छे नेता है, सभी के लिए बोलते हैं, सभी के लिए करते हैं। रविदास जो हैं कुछ लोगों के लिए कर पाते हैं, कुछ जगह पहुंच पाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा करते हैं और बहुत काम किया है। अब बिल्कुल जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज की अगर बात करें तो लगातार राजनाथ सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इस प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रचार चल रहा है, राजनाथ सिंह जी खुद लगातार प्रचार में लगे हैं, इस बार देखा जा रहा है तो हर जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो वो सबसे ज्यादा प्रचार में लग गया है, तो किस तरीके से उसको देखते हैं? इसलिए ज्यादा प्रचार करते हैं और लखनऊ को समय देते हैं और मुस्लिम समुदाय के लिए काम करते हैं। इस बार मुस्लिम एकजुट हो गया है माननीय राजनाथ सिंह को जिताने के लिए और उन्होंने भी ठान लिया है कि 5 लाख पार। इसलिए मुस्लिम हर गली कूचे में आप देखिए, पहले तो कोई नहीं निकलता था, इस बार मुस्लिम भी निकल रहा। अभी हमारे बगल में ही मोहम्मद आसिफ साहब ने मस्जिद में कई लोगों पर्चा बांटा है, पंपलेट बांटे, बहुत खुशी से उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि राजनाथ यहाँ से जीत गए। रही बात उनकी रविदास मल्होत्रा जी की, मल्होत्रा जी तो कोसों दूर पीछे हैं, राजनाथ सिंह ने जो कर दिखाया लखनऊ में, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार टक्कर दे रहे हैं। नहीं नहीं, कहीं कोसों तो कहीं है ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो जनता खुद कह रही कि रविदास है कहाँ, गुम हो गए क्या, ऐसा चल रहा है। तो आप राजनाथ सिंह का जो काम है, पार्क में चले जाइए, वहां ऐसा लग रहा है यहाँ जिम खुल गया है, सारी मशीनें, लोग वहां पर एक्सरसाइज करने लगे, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो तारीफ करते हैं कि हो तो सांसद ऐसा हो, राजनाथ सिंह जैसा हो। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए अल्पसंख्यक समाज लगातार तारीफ कर रहा है राजनाथ सिंह की, हम और बात, क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल जी, आपने बीजेपी का पटका भी डाल रखा है और प्रचार भी कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी के लिए, क्या कुछ ऐसा देखा आपने? राजनाथ जी बहुत पुराने सीनियर नेता हैं अटल जी के जमाने के, और इनसे बड़ा चेहरा यहाँ पर और दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं। राजनाथ सिंह जी को कोई हराने वाला नहीं है। इस समय पूरे भारत का मुसलमान एक है और अब की 5 लाख पार करेंगे, और जैसा इन्होंने कर रखा है राजनाथ सिंह जी ने, जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां मजमा देखिए कितना लगा हुआ है, समझे आप। और अब की तो इतने बुरे लोग हारेंगे, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, गठबंधन ऐसा टूटेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि गठबंधन टूटेगा, तो बहुत बुरी हार जिस तरीके से बता रहे हैं, 5 लाख के पार। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, क्या नाम है आपका? सुहेल जी, किस तरीके से देख रहे हैं राजनाथ सिंह जी को? अच्छा काम देख रहे हैं उनका यहाँ पे। क्या काम पसंद आया? सभी की पसंद आया, क्या बदला है, क्या नहीं पसंद आया आपको? जी बहुत अच्छी सरकार चल रही है, दोबारा आ रहे हैं राजनाथ सिंह यहाँ पे। राजनाथ सिंह फिर से आ रहे हैं, कितने अंतर? 4-5 लाख वोटों से आएंगे। 5 लाख वोटों का अंतर, तो इस बार जो नारा है 5 लाख पार, बिल्कुल पार, बिल्कुल बिल्कुल दिखाएं आपको ये, बिल्कुल 5 लाख पार। देखिए जिस तरीके से मोहम्मद सुहेल इनका नाम है और लगातार प्रचार भी इस समय जिस तरीके से देखा जा रहा है राजनाथ सिंह के लिए, मुस्लिम समुदाय बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? फराज खान। फराज खान जी, किस तरीके से देख रहे हैं राजनाथ सिंह जी, कितने वोटों से जीत रहे हैं? राजनाथ सिंह का लखनऊ से बहुत पुराना नाता रहा है, पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, तो उनको काम भी वैसे ही उन्हीं ने सीएम के हिसाब से किया था, तो अभी भी जब भी वो खड़े होते हैं यहाँ से लखनऊ से, उनको कोई नहीं हरा सकता, हमेशा जीते हैं, क्योंकि हर का साथ उन्हीं ने दिया है, हर के साथ रहे हैं,
तो इस वजह से इस बार भी वो जीतेंगे जीतेंगे। काम कैसा लगा उनका? काम बहुत अच्छा लगा, कई जगह हमने देखा बीकेटी के पास फ्लाईओवर बना हुआ है, रोड भी बहुत अच्छी है, लाइट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी अब चलती है, तो इस वजह से हम लोग भी पूरा हम लोग का वही है कि राजनाथ ही आएंगे और वही जीतेंगे। अब बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा जी, किस तरीके से देख रहे हैं राजनाथ सिंह, कितने वोटों से जीत रहे हैं और क्या काम उनका पसंद आया? सड़कें बनाई हर जगह, बिजली है हर जगह रोड है, किधर भी जाना होता है किसान पद लेके चले जाते हैं। पहले तो सरकारें रही ना, कुछ नहीं हुआ, तो 5 लाख पार देख रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से बड़ी बात कह दी है कि बीजेपी सरकार में जितना काम हुआ, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने लखनऊ में काम कराया है, उसके बिना पर जो अल्पसंख्यक समाज है वो लगातार आगे चढ़कर बढ़कर के हिस्सा ले रहा। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करते हैं किस तरीके से आप देखते हैं, अगर आखिरी लाइन में पूछा जाए तो कितने वोटों से जीतेंगे और क्या काम उनका पसंद आया? 5 लाख से ऊपर में जीतेंगे। उनका काम सबसे अच्छा ये है कि उन्होंने एक रिंग रोड दी है लखनऊ को, जो 105 किलोमीटर की है। 105 किलोमीटर में सारी रोडें जोड़ रही हैं। इस रोड में चाहे हम उतरना, जहाँ चढ़ना चाहें, जहाँ चढ़ते जहाँ उतर जाए, कानपुर रोड से सुल्तानपुर रोड, सुल्तानपुर रोड से फैजाबाद रोड, कहीं भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी रोड बनाई है, सब फ्लाईओवर बने हुए हैं। लखनऊ में जितने अच्छे फ्लाईओवर बने हैं, कुछ दिनों में आने वाले अगर और सरकार रही तो ये सिंगापुर बन जाएगा। अब बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने जो काम किया है वो सराहनीय है, और जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज बढ़ चढ़ कर इस बार लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी ले रहे हैं, और आज राजनाथ सिंह के लिए खुद मुस्लिम समुदाय ने प्रचार किया है, अब ये देखना होगा जो बीजेपी नारा दे रही है 5 लाख के पार, तो क्या ये सही साबित हो सकता है? लखनऊ से सफीम TV9 भारतवर्ष। वी गॉट प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।